सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन दबाकर रोज की ताजा खबरों की मजा लें। बरगार न्यूज एक्सप्रेस, खबर की तह तक जाने की जीत। आकाश अग्रवाल, बरगढ़ का बासिंदा हूँ। क्या कंप्लेंट किया आपका, शिकायत? मैं एक TVS जुपिटर लास्ट मंथ परचेज किया था, जिसका कि टोटल टैक्स गवर्नमेंट को पेड हो चुका है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो बरगढ़ में कराना था, क्योंकि नौपड़ा से गाड़ी खरीदा हूँ तो बरगढ़ मेरे को नंबर चाहिए था। तो बरगढ़ का नंबर के लिए मैं अप्लाई करने के लिए यहाँ आया था। मेरे आदमी को मैं भेजा था तो RTO ऑफिस, बरगढ़ RTO ऑफिस, तो वहाँ पे RTO बोले कि 5,000 रुपये लेट फाइन लगेगा बोल के। तो मेरे मैनेजर मेरे को बताया कि 5,000 रुपये, मतलब जाकर अच्छे से बात करो, आप कुछ गलत सोचे मतलब सुने होंगे। तो फिर वापस जब गए तो बोले 2,500 रुपये फाइन लगेगा बोल के। तो फिर मैं उनके मतलब मैं भी उनके साथ में आया। फिर जब उनके पास गया तो बोले कि नहीं, 2,500 रुपये चार्ज है, आप 192 सेक्शन को वायलेंस किए हो RTO का रूल के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको 2,500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा बाय एनी कॉस्ट। मतलब बोला कि नहीं, ऐसे तो कोई नियम नहीं है, मैं जितना नियम जानता हूँ प्लस जितना मैं गूगल से सर्च मारा, मेरे को वहाँ मालूम चला है कि जो अपने कार्ड फीस का जो अमाउंट भरते हैं उसका 50% नियर अबाउट 330 रुपये का अपने वो टैक्स वहाँ भरते हैं, उसका 160 का 165 या 170 रुपये का टैक्स अपने को लगना चाहिए। कुल मिला कितना होना चाहिए? 170 रुपये का टैक्स लगना चाहिए आपका टैक्स। जी, फाइन जो भी जी, लेकिन वो 2,500 रुपये के लिए आर्गूमेंट कर रहे हैं और मेरा अभी तक रजिस्ट्रेशन को रोक के रखे हैं। पिछले शनिवार को आया था, उसके बाद फिर आज आया सोमवार को उनके पास फिर आया और मैं आके उनसे मिला, RTO से मिला। तो RTO बोले कि ये हम लोगों का पावर होता है, RTO का पावर होता है, RTO जितना रुपया चाहेगा उतना रुपया फाइन ले सकता है, ये उनका ये था। तो मैं RTO में कुछ पॉइंट्स लिख के मैं RTO को मांगा हूँ, जो कि RTO रिसीव नहीं किया। RTO बोले कि बड़बाबू रिसीव करेंगे और बड़बाबू बोले MBI रिसीव करेंगे। तो मैं MBI से रिसीव करा के ये RTO से मतलब जो अपना फॉर्म है मैं उनसे रिसीव करा के लाया हूँ और उनको एक महीना के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा। ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ସେଠି।